हड्डी पसली टूटे या सर फूटे, लेकिन ओला का सस्पेंशन न टूटे। जी हाँ दोस्तों, अभी एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने ओला के ऊपर ऐसे ऐसे टेस्ट कर दिए ना, जिसको देखते हुए भावेश अग्रवाल यानी ओला के जो सीईओ है उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। भाई साहब कसम से बंदा एकदम ओला को तोड़ने में लगा हुआ था यार, क्या बताऊं आपको, थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप देखते जाओ यार, मजा ही आ गया उसे देख के। उसने चार चार पांच पांच बंदों को बैठाकर ओला में ऐसे ऐसे स्टंट कर दिए ना, इसको देखकर आपके मन में जरा भी ओला की ड्यूरेबिलिटी पे शक नहीं होगा यार, कसम से। आपको लगता है कि सिंगल सस्पेंशन है तो कमजोर होगा, ओला इतनी ड्यूरेबल नहीं है, ओला ज्यादा चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ओला तीन लोगों से ऊपर लेके जा नहीं सकती, ओला इतने ज्यादा वजन नहीं चलता, ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत मजबूत है यार, हमें लगता था। वो अलग बात है मार्केट में जब अपन पहली पहली बार नई नई चीजें आती है ना, तो लोगों को शक होता है कि क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना दोस्तों। पहले मेरे मन में भी यही ख्याल था कि यार ओला का आएगी, सिंगल सस्पेंशन है, नहीं झेल पाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर होकर मैंने भी एक ओला बुक कर दी दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हमारे जितने भी इंडियन व्हीकल या टू व्हीलर कंपनीज हैं, किसी ने भी सिंगल सस्पेंशन पे अपना स्कूटर नहीं निकाला, इसलिए लोगों को थोड़ा डाउट तो होता है यार कि डबल कभी कभी टूट जाता है, सिंगल सस्पेंशन तो क्या ही झेल पाएगा, ऊपर से प्लास्टिक की पूरी गाड़ी बनी हुई है ना। ले ठीक है, वो अपने मुझे तक आना चाहिए माइंड में, क्योंकि यार उसके बिना जिंदगी कहाँ चलने वाला। थोड़ा कंपनी ने अपने ब्रांडिंग करने के लिए भी ऐसा किया दोस्तों, कि एक सस्पेंशन रहेगा थोड़ा अलग हट करके मार्केट में, लेकिन वो ब्रांडिंग उसी को भारी पड़ गई। शुरू शुरू में तो यार सच बात है कि ओला सस्पेंशन नहीं था कैपेबल था ना, लेकिन अब जितनी गाड़ियां आ रही है ना, और जितनों ने अपना सस्पेंशन चेंज करवा दिया है ना, उनको कोई समस्या कभी नहीं आने वाली मेरे ख्याल से। और यार नई नई कंपनी है तो क्या है कि भरोसा थोड़ा करने में लोगों को मुश्किलें होती हैं कि यार ट्रस्ट करें कि ना करें, लेकिन यार दोस्तों देखो नई नई कंपनी को मार्केट में एक बार स्कूटर बस आपको नहीं बेचना है, इनको लॉन्ग टर्म में खेलना हो। ओला जैसी कंपनी तो ये तक सोचकर बैठी है हम कार वगैरह बेचेंगे अपनी, तो ये आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और यार देखो बात रही कि आप ओला ही लें कि दूसरी गाड़ी ले सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं, लेकिन अभी फीचर के मामले में बताऊं, हर एक चीज के बारे में बताऊं, जो सर्विसेज इसकी मिलने वाली है, इतना दोस्तों पूरे इंडिया में फैल रहा है बहुत तेजी से, इसका शोरूम वगैरह खुल रहे हैं, मेरे भोपाल में तीन चार खुल गए, तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए कि ओला ठीक ठाक है, ले लेनी चाहिए अगर आपके पास बजट हो, अगर आप एक ईवी की तरफ देख रहे हो तो, क्योंकि यार ड्यूरेबिलिटी पे कोई शक मत करना। जैसा कि आप वीडियो देख ही चुके हो कि ये इतनी ड्यूरेबल है कि क्या ही बोल सके। जय हिंद दोस्तों।